सो हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के अपने इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्लो चार्ट के ऊपर। जी हाँ, इससे पहले हमने अपने प्रीवियस वीडियो में कंप्यूटर, सीपीयू और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, नंबर सिस्टम, इन सारे ही चीज़ों को जो है समझ लिया है। अपने प्रीवियस हमने वीडियो अपलोड यहाँ पर करी हुई है। आज का जो हमारा वीडियो है वो फ्लो चार्ट के ऊपर है कि आखिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है फ्लो चार्ट से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास ही पड़े बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन इजीली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो अगर आपको पसंद आता है, आपके लिए हेल्पफुल रहता है, तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। तो चलिए देखते हैं फ्लो चार्ट्स। सो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अ फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम। ठीक है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब पिक्चर के थ्रू आप यहां पे बता रहे हैं। ठीक है, जिसमें आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मतलब आप ग्राफिक्स का यूज यहां पर कर रहे हैं। ठीक है, ग्राफ के थ्रू भी आप बोल सकते हैं कि आप ये ग्राफिकल डिजाइन के थ्रू आप बता रहे हैं। तो कोई भी ऐसी प्रॉब्लम जिसको आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंट करके बताते हैं या फिर आप ग्राफ के थ्रू बताते हैं, तो ये सारे ये क्या कहलाते हैं, आपके फ्लो चार्ट्स कहलाते हैं। यहाँ पे एल्गोरिथम को समझ लेते हैं कि आखिर एल्गोरिथम जो हमने वर्ड यहाँ पर इस्तेमाल किया है उसका मतलब क्या होता है। एल्गोरिथम क्या होता है इन बेसिकली, मतलब कंप्यूटर में एल्गोरिथम का क्या रोल है। ठीक है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स और परफॉर्म टास्क। ठीक है, मतलब एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन है। इंस्ट्रक्शन मतलब सेट ऑफ रूल्स आप इसे बोल सकते हैं। देखिए, जैसे आप मैथ्स में देखते हैं ना, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का आप कोई ना कोई फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, तो वही चीज होती है यहाँ पर कंप्यूटर में। जब आप कोई भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए आप जिस चीज को आप प्रयोग करते हैं वो आपका क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाता है। ठीक है, जिस सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन का आप यहाँ पर यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, एल्गोरिथम कहलाते हैं। ठीक है, अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जिस तरीके से आप जो है या कि जिस रूल्स का फॉलो आप कर रहे हैं वो क्या है, आपका एल्गोरिथम है। ठीक है, एल्गोरिथम जो है कंप्यूटर की लैंग्वेज में बेसिकली रूल्स और रेगुलेशंस को यहाँ पर बोला जाता है। इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो अब फ्लो चार्ट इज अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिथम, मतलब रूल्स और रेगुलेशंस का, मतलब किस तरीके से कहां पे किस सिचुएशन किस कंडीशन में अगर यस हो रहा है तो कौन सी कंडीशन बनेगी, नो हो रहा है तो किस तरीके से जो है आपका प्रोसेस चलेगा, इस चीज को पिक्चर्स के थ्रू दिखाना या फिर ग्राफिक्स के थ्रू दिखाना क्या कहलाता है, हमारा फ्लो चार्ट कहलाता है। ठीक है, यहाँ पे जो हम फ्लो चार्ट के बारे में बस उतना ही जानेंगे जो हमारे लिए यूजफुल है। ठीक है ना, बेसिक फ्लो चार्ट के सिंबल्स क्या होते हैं, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं यहाँ पर, बट यहाँ पे हम कुछ सिंबल्स ले रहे हैं, कुछ हमने जो है छोड़ भी दिए हैं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सबसे पहला जो हमारा फर्स्ट है वो हमारा टर्मिनल कहलाता है, यानी कि आप इसे स्टार्ट और एंड टर्मिनल भी बोल सकते हैं, स्टार्ट और स्टॉप। ठीक है, एंड नहीं होता है, स्टार्ट और स्टॉप। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके की शेप में होता है, दो लाइंस ऐसी होती हैं और ये जो है दो साइड से इस तरीके से हल्का से राउंड फॉर्म में होता है। ठीक है, तो ये कहलाता है हमारा टर्मिनल। ठीक है, जब भी आप जो है फ्लो चार्ट स्टार्ट करते हो ना, तो स्टार्ट का जो बटन होता है वो हमेशा इसी के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, तो स्टार्ट हमेशा इस वाले सिंबल से आपको यहाँ पर करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आई ऑब्लिक ओ का जो हमारा बॉक्स यहाँ पे आपको दिख रहा है, जो कि आपका रेक्टेंगल बॉक्स है एक तरीके से, इसके जो दो साइड्स को हमने इस तरीके से तिरछे में रखा हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरीके का जो बॉक्स होता है ये आईओ बॉक्स होता है। आईओ बॉक्स मतलब आईओ के ऊपर जो है प्रीवियस वीडियो हमने जो है डाला हुआ है, जिन्हें चेकआउट नहीं किया वो चेकआउट कर सकते हैं उसे। आईओ का फुल फॉर्म होता है इनपुट आउटपुट। ठीक है, इनपुट मतलब क्या चीज हमको रिक्वायरमेंट है ना, जो भी प्रॉब्लम आ रही है तो हम बताएंगे ना सबसे पहले सिस्टम को कि हमें क्या प्रॉब्लम, क्या चीज हमें चाहिए। मान लीजिए आपने यहाँ पे कुछ भी चीज लिख दी, इनपुट आपने कर दिया कि हमें ये चीज चाहिए, ए की वैल्यू हमने रख दी कि इतना है, बी की इतनी है। ठीक है, तो इनपुट इस तरीके से हमने इस बॉक्स के अंदर हमने लिख दिया। आउटपुट भी यही बॉक्स दिखाता है, मतलब कंप्यूटर जब हम वो उसको समझेगा कि हाँ भाई क्या चीज है, उसको सॉल्व करने के बाद जो वो हमको आउटपुट शो करेगा वो भी हमको इसी बॉक्स के अंदर वो शो कराएगा। ठीक है, मतलब हम उसको जो चीज इनपुट करवा रहे हैं वो भी हम इसी बॉक्स के अंदर उसे इनपुट करवाएंगे, और वो हमको जो चीज देगा आउटपुट के थ्रू वो भी हमको इसी बॉक्स के अंदर वो देगा। थर्ड है हमारे पास प्रोसेसिंग, प्रोसेस हो रहा है जहां पर। ठीक है, हमने स्टार्ट करा,
ठीक है, उसके बाद हमने कुछ इनपुट कराया कंप्यूटर के अंदर, अब वो क्या हो रहा है, प्रोसेस करवा रहा है, ठीक है, वो प्रोसेस करवाएगा कि मतलब क्या चीज़ बेसिकली, जो भी वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा, वो कोई रूल लगाएगा, रूल के थ्रू हमारे जो है प्रॉब्लम वो सॉल्व करेगा, जो भी चीज़ करेगा, तो उसका जो बॉक्स होता है वो सिंपली आपका रेक्टेंगल बॉक्स होता है इस तरीके से, ठीक है, रेक्टेंगल बॉक्स, इसके अंदर जो है इसकी प्रोसेसिंग चलती है, ठीक है। तो जो भी चीज़ें होंगी वो प्रोसेसिंग में आप यहाँ पर बताओगे कि प्रोसेस में जो है प्रोसेस, जो भी चीज़ प्रोसेस होएगी, जो भी रूल यहाँ पर लगेगा वो यहाँ पर आप रेक्टेंगल बॉक्स के अंदर जो है बताएंगे, ठीक है। फोर्थ है यहाँ पर डिसीजन बॉक्स। अब डिसीजन बॉक्स आप देखिए किस तरीके का है यहाँ पर, है ना, इस तरीके का, थोड़ा बहुत डायमंड शेप भी आप इसे बोल सकते हैं। तो डिसीजन बॉक्स ही इस तरीके का डिसीजन बॉक्स, जहाँ पे आपकी प्रॉब्लम डिसीजन ले रही है। मान लीजिए आपने बोला ए की वैल्यू है 7, 7 इज ग्रेटर देन ए की वैल्यू है 7, 7 इज ग्रेटर देन बी, ठीक है। अब वो यहाँ पे ए की, ए इज इक्वल टू 7 है, 7 इज ग्रेटर देन बी है, तो अगर वो बोलेगा कि 7 इज ग्रेटर देन बी है तो यस की तरफ चले जाएगा, और अगर 7 की वैल्यू, जो बी की वैल्यू है वो लेस देन 7 नहीं आती है तो वो नो की तरफ चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरीके से वो डिसीजन लेगा वहां पर। तो ये डिसीजन मेकिंग जहां पर होता है तो यहाँ पे क्या होता है, डिसीजन बॉक्स का यहाँ पर इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे फ्लो चार्ट्स, सॉरी फ्लो लाइंस, ठीक है। फ्लो लाइंस मतलब जो भी डायरेक्शन होता है, स्टार्ट जब हम करते हैं ना, स्टार्ट करेंगे उसके बाद इस तरीके से फिर हम इनपुट करवाएंगे कुछ, फिर हम इस तरीके से प्रोसेस करवाएंगे कुछ, तो ये जो एरो के साइन यहाँ पर हम यूज कर रहे हैं, ये क्या है, हमारे फ्लो लाइंस कहते हैं इसे, ठीक है, एरो साइंस बोलते या फिर फ्लो लाइंस आप इसे बोल सकते हो। तो ये क्या है, हमारे फ्लो लाइंस है। और लास्ट जो इसमें सिक्स्थ है वो है कनेक्टर्स, जो कनेक्ट करता है बेसिकली, ठीक है, किसी भी चीज़ को जब आपको कनेक्ट करना होता है तो यहाँ पर आपको इस तरीके से जो है सिंबल यहाँ पर यूज़ किया हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्स बेसिक फॉर्मूला, ये बेसिक्स हैं, इनके आपको जो है कई बार एग्जाम में पूछे भी जाते हैं कि प्रोसेस के लिए, जब आप प्रोसेस के लिए कौन सा फ्लो चार्ट इस्तेमाल किया जाता है, इनपुट आउटपुट के लिए कौन सा जो है फ्लो चार्ट यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटर में। तो ये जो बेसिक हैं सिर्फ 6 हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ये आप जरूर जो है देख लीजिएगा किसी भी एग्जाम में जाने से पहले, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट की ओर, कि आखिर एडवांटेज देखते हैं हम इसके, कि आखिर फ्लो चार्ट के क्या एडवांटेज हैं। अच्छा, तो एडवांटेज आप यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्यों हम फ्लो चार्ट का यूज करते हैं बेसिकली। बेटर कम्युनिकेशन, ठीक है, कम्युनिकेशन का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, अच्छी तरीके से कम्युनिकेट करा जा सकता है। सेकंड है इसमें इफिशियंट कोडिंग, ठीक है, कोडिंग जो है वो इफिशियंट हो जाती है, आपको ज़्यादा लेंथी कोडिंग करने की आवश्यकता नहीं होती, कि सब चीज़ दिखाने की आवश्यकता नहीं होती कि हमने यहाँ पे ये किया ये किया, सिंपली आप बॉक्स के थ्रू समझा देंगे थोड़ी बहुत, तो हर किसी को समझ में आ जाएगा कि हाँ यहाँ पे से अगर जो भी है मतलब डिसीजन लिया जा रहा है, यहाँ से प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। सिस्टमैटिक डीबगिंग, डीबगिंग क्या होता है, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ठीक है, किसी प्रॉब्लम को जब आप सॉल्व करते हो तो उस मेथड को, उस चीज़ को आप बोलते हो डीबगिंग। तो डीबगिंग जो करने का जो तरीका है वो एक सिस्टमैटिक ढंग से हो जाता है, ठीक है, ईजी हो जाता है डीबग करना किसी भी प्रॉब्लम को, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि कहाँ पर जो है दिक्कत आ रही है। फोर्थ है यहाँ पे सिस्टमैटिक टेस्टिंग, टेस्टिंग करना भी काफ़ी इजी हो जाता है, जिससे क्योंकि डीबग आप तभी करोगे ना किसी प्रॉब्लम को जब आप टेस्ट करोगे, टेस्ट करेंगे जब हमें पता चलेगा कि हाँ भाई यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है तब हम उस चीज़ को डीबग करेंगे, है ना। तो टेस्टिंग काफ़ी सिस्टमैटिक हो जाती है, काफ़ी ईजी हो जाती है, उसी तरीके से डीबगिंग भी काफ़ी ईजी हो जाती है अगर आप एक अच्छे मतलब सही ढंग से आप फ्लो चार्ट का यहाँ पर इस्तेमाल करते हो। तो आई होप गाइज आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, थैंक यू सो मच।